नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कुछ वनस्पतियों के उनके विशेष गुणों के कारण उनके नाम भी उसी प्रकार के रख दिए जाते हैं। जैसा कि वन्य बला, यह वनस्पति शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाती है, शरीर की नपुंसकता को दूर करती है, स्त्रियों के लिए परम उपकारी है तथा अन्य प्रकार के रोगों के लिए भी रामबाण दवा है। तो चलिए आज इस वन्य बला के औषधीय फायदे, पहचान तथा गुप्त औषधीय प्रयोग जानेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको हमेशा काम आएगी। और हाँ, यदि आप दुनिया की सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औषधीय फायदे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहें। पहले हम आपको इस पौधे की पहचान करा देते हैं, उसके बाद इसके औषधीय प्रयोग बताएंगे। वन्य बला का पौधा अधिकतर वर्षा काल में दिखाई देता है, क्योंकि गर्मियों में यह सूख जाता है और वर्षा काल में पुनः पनपने लगता है। कहीं कहीं पर यह बहुत बड़ा हो जाता है और 10 से 15 फीट तक का ऊंचा हमने ये देखा है। वन्य बला का पौधा झाड़ीनुमा होता है और अधिकतर इसके छोटे छोटे पौधे ही देखने को मिलते हैं। इस पर वर्षा काल में नए पत्ते आते हैं। वन्य बला के पत्ते इस प्रकार के होते हैं, जो गोल आकृति के होते हैं और यह संपूर्ण पौधा रोएदार होता है। जैसे कि पिछली कुछ वीडियो में हमने आपको बताया था कि बला की सैकड़ों प्रकार की प्रजातियां होती हैं। जैसे कुछ मुख्य प्रजातियां हैं, बला, वन्य बला, राज बला, नाग बला, नेत्र बला, महाबला, अति बला और भी काफी सारी अनगिनत इसकी प्रजातियां पाई जाती हैं। इस वन्य बला के भी कई भेद होते हैं। इसमें एक इस तरह की पत्ते वाली भी होती है, जिसके पत्ते कई भागों में कटे हुए होते हैं। लेकिन इन दोनों ही प्रकार की बला के फूल इस तरह के होते हैं, जो गुलाबी रंग के होते हैं। सिर्फ पत्तों में ही फर्क होता है। और औषधीय फायदों की हम बात करें तो दोनों ही प्रकार के पत्तों वाली वन्य बला के समान औषधीय गुण होते हैं, आप किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। इस पर इस तरह के गुलाबी रंग के सुंदर फूल खिलते हैं। वन्य बला के फल इस तरह के होते हैं, जिसके चारों तरफ मुलायम कांटे नुमा उभरे होते हैं। गर्मियों की ऋतु में जब ये फल सूख जाते हैं तो इसके अंदर इस तरह के काले रंग के बीज निकलते हैं। कटे हुए पत्तों वाली वन्य बला को कुछ लोग नेत्र बला नाम से भी जानते हैं। वैसे अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नाम से जाना पहचाना जाता है। आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए हम आपको इसके कुछ नाम बता देते हैं। जैसे कि संस्कृत में इसको वन्य बला, बंगाली में वन अकोरा, नेपाली में नालू कुरो, तेलुगु में वन भेंडी, हिंदी में वन्य बला, जंगली बला, नेत्र बला, मलयालम में उरम, तमिल में ओ टटाटाटी तथा अंग्रेजी में कासिन और इसका वनस्पतिक नाम है यूरेना लोबाटा। तो आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि आप कौन से क्षेत्र में इसको क्या नाम से जानते हैं। हो सकता है आपकी दी हुई जानकारी किसी के काम आ जाए, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। आयुर्वेदिक मत अनुसार वन्य बला मूत्रल, बलकारक, ज्वार रोधी, कृमि घन, आमबात रोधी तथा उदर सक्रियता वर्धक होती है। तो चलिए अब इस वन्य बला के औषधीय फायदे और प्रयोग जानते हैं, जिससे आप विभिन्न रोगों को दूर कर पाएंगे। तो ध्यान पूर्वक वीडियो को देखिएगा। अधिकतर मुंह में छाले हो जाने पर लोग तरह तरह की दवाएं खाते हैं, उसके बाद भी फायदा नहीं होता है। तो मुंह के छाले ठीक करने के लिए वन्य बला के पत्तों को चबाने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। यदि वन्य बला की पत्तियों को आप नहीं खाना चाहते हैं तो इसको चबाते हुए थूक भी सकते हैं। वन्य बला गले के रोगों में भी बहुत ही अच्छा फायदा करती है। इसके पत्ते या फिर इसके फूलों का काढ़ा बनाकर गरारा करने से गले में होने वाली जलन और गले की अन्य समस्याएं ठीक होती हैं। और इसका एक आयुर्वेदिक प्रयोग भी है, वह भी आप चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि वन्य बला के फूल और पत्ते, जामुन के पत्ते और अदरक आदि का काढ़ा बनाकर उसमें नमक मिलाकर गरारे करने से भी गले की जलन और टॉन्सिल में बहुत अच्छा फायदा मिलता है। वन्य बला पेट के रोगों के लिए बहुत ही रामबाण दवा का काम करती है और ये पेट की आंतों को मजबूती प्रदान करती है। पेट दर्द होने पर वन्य बला के फूल, पत्ते और फलों का काढ़ा बनाकर यदि थोड़ी थोड़ी मात्रा में पिया जाए तो पेट का दर्द ठीक हो जाता है। जिन लोगों को पेट में कीड़े हो जाने की समस्या है, वह इसके बीजों का चूर्ण 1 से 2 ग्राम की मात्रा में पानी के साथ सेवन करें तो इससे पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। पेट दर्द दूर करने के लिए इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर भी सेवन करने से बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। दस्तों की समस्या में इसके पंचांग का काढ़ा बनाकर पिलाना चाहिए या फिर इसके पंचांग का चूर्ण 5 से 10 ग्राम की मात्रा में खिलाने से भी प्रवाही का जैसे रोगों में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसका पत्तों को पीसकर पेट पर लेप कर देने से पेट पर होने वाली सूजन ठीक हो जाती है। पेट दर्द होने पर इसके पत्तों का रस निकालकर भी 1-1 चम्मच की मात्रा में पिलाने से पेट दर्द की समस्या ठीक हो जाती है।
यदि पेचिस की समस्या है और मल के साथ खून आता है तो वन्यवला की जड़ का 1 से 2 ग्राम चूर्ण पानी के साथ सेवन कराएं, या फिर इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर 10 से 30 ml की मात्रा में सुबह शाम पिलाने से पेचिस की समस्या ठीक हो जाती है। वन्यवला की पत्नियों में अजवाइन का चूर्ण मिलाकर सेवन करने से पाचन तथा पेट दर्द की समस्या ठीक होती है। किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में वन्यवला के पत्तों की साग बनाकर भी खाया जाता है। यदि वन्यवला के पत्तों का साग बनाकर खाया जाए तो यह पेट के कीड़ों को नष्ट करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, पेट में सूजन और यकृत संबंधी विकारों में बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। वन्यवला महिलाओं के लिए एक उत्तम रामबाण औषधि का काम करती है। यह महिलाओं में होने वाली अनियमित महामारी, रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर, सफेद पानी की शिकायत आदि को बहुत ही जल्दी ठीक कर देती है। इसके लिए इसके पंचांग का काढ़ा बनाकर ठंडा करके मिश्री मिलाकर सेवन करना चाहिए, या फिर पत्तों का शरबत बनाकर मिश्री मिलाकर सेवन करें तो बहुत ही जल्दी और अच्छे लाभ मिलते हैं। जोड़ों के दर्द और वात रोगों में यह बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके लिए इसके पंचांग को तिल्ली के तेल और लहसुन के साथ पीसकर पेस्ट बनाकर दर्द वाले स्थान पर लेप कर देने से बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है, या फिर सिर्फ इसके पत्तों को पीसकर यदि लेप कर दिया जाए तो वहां पर भी वातजन्य वेदनाएं शांत होती है। अधिकतर इसकी जड़ को घिसकर आमबात पर लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। दोस्तों, वन्यवला एक बलशाली पौधा माना जाता है। यह आपके पाचन को ठीक करके पाचन शक्ति को मजबूत करता है। यह शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाता है तथा सभी प्रकार की कमजोरियों को दूर करने के लिए वन्यवला एक उत्तम औषधि मानी जाती है। तो चलिए इसके कुछ प्रयोग जानते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि कुछ भाई लोग हमारी वीडियो को छोड़ छोड़ कर देखते हैं, जिससे बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ छूट जाती हैं और एक बार स्किप की हुई वीडियो को व्यक्ति दोबारा नहीं देखता है। इसलिए भले ही वीडियो को कम देखें, लेकिन वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए इसके औषधीय प्रयोग जानते हैं। वन्यवला के सूखे हुए बीजों का 1 से 2 ग्राम चूर्ण मिश्री मिलाकर सुबह शाम गाय के दूध के साथ सेवन करने से शरीर का दुबलापन दूर होता है, शरीर हर्ष पुष्ट और बलवान बनता है। यह शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाता है तथा शरीर में बल्य वीर की वृद्धि होती है। सभी प्रकार की नपुंसकता दूर करने के लिए वन्यवला की जड़ के चूर्ण के साथ शुद्ध कोंच के बीजों का चूर्ण मिलाकर 2 से 3 ग्राम की मात्रा में शहद मिलाकर सेवन करने से और ऊपर से गाय का दूध पीने से शरीर की सभी प्रकार की नपुंसकता दूर होती है। जो स्त्रियां अत्यधिक दुबली पतली हैं, वह वन्यवला के बीजों के चूर्ण के साथ शतावरी का चूर्ण मिलाकर 2 से 5 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम दूध के साथ सेवन करती हैं तो उनके शरीर का वजन बढ़ने लगता है और शरीर हष्टपुष्ट और क्रांतिवान हो जाता है, चेहरे पर चमक आती है। उसके बाद ये वन्यवला और भी काफी सारे रोगों में काम करती है, जैसे कि चर्म रोगों में इसका प्रयोग करने से अच्छे लाभ मिलते हैं। इसके पत्तों को पीसकर यदि दांत पर लगाया जाए तो दांत बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। पुराने फोड़े और घावों पर इसके पत्तों को पीसकर लगाते हैं तो घाव जल्दी भरने लगता है। इसके पत्तों को पीसकर थोड़ा सा तेल मिलाकर गर्म करके यदि चोट मोट के दर्द पर लेप कर दिया जाए तो चोट मोट का दर्द सूजन ठीक हो जाता है। तो देखा आपने इस वनस्पति के कितने सारे औषधीय फायदे हैं। इसी प्रकार से काफी सारी वनस्पतियां हैं जो भारत में उत्पन्न होती हैं, लेकिन जानकारी न होने के अभाव में व्यक्ति उनका उपयोग नहीं कर पाता है। तो हमारा यही प्रयास है कि आप सभी को वनस्पतियों की जानकारी मिले और आप उनका उपयोग करें तथा लोगों को कराएं। लेकिन आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि आप सभी वनस्पतियों की रक्षा करें एवं उनका रोपण करें। गर्मियों की ऋतु में जब वनस्पतियां सूख जाती हैं तो उनके बीजों को एकत्र करके रख लें और अगली वर्षा काल के प्रारंभ में ही उन बीजों को यहां वहां चारों तरफ बिखेर दें, जिससे काफी सारे नए पौधे उत्पन्न हो सके। यदि हर समझदार व्यक्ति यह काम करता है तो औषधीय पौधों की कमी नहीं आएगी और आने वाली पीढ़ियां भी वनस्पतियों का उपयोग कर पाएंगी। बाकी वनस्पतियों की जानकारी तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन उनकी रक्षा करना भी बहुत ही जरूरी है। यदि आप भी हमारी बात से सहमत हैं तो नीचे कमेंट करके अपना विचार जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। आपको फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। नमस्कार।